नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो ज्योत्ना पवार या यूट्यूब चॅनलमध्ये आपल्या सर्वांचे मनापासून स्वागत आहे आज आपण इयत्ता सातवीच्या वर्गाची हिंदी या विषयाची द्वितीय सत्र परीक्षा प्रश्नपत्रिका सराव करणार आहोत ही प्रश्नपत्रिका एकूण पन्नास गुणांची आहे बघा सरावासाठी आहे ही प्रश्नपत्रिका प्रश्न, प्रश्न पहिला अ कोष्टक मेसे उचित शब्द चुनकर रिक्त की पूर्ती करो पाच गुणांसाठी पाच रिकाम्या जागा विचारण्यात आलेल्या आहे त्यातून योग्य रिकामी जागा निवड़ाई आहे उत्तर सहित घेऊ शब्दों का यह संसार बड़ा विचित्र है दोन सजी आयो रे ऋतु बसन सजी आयो खे से खाने को लड्डू मिलते हैं चार हम सबसे आगे रहते अवसर पर बलिदान के पांच आर्यन मन ही मन मुस्काने लगा प्रश्न पहिल्यातलेच ब जोडिया मिलाव पाच गुणांसाठी आहे अ गट आणि ब गट देण्यात आलेला आहे आणि मध्ये तुम्हाला उत्तराचा पर्याय लिहायचा आहे वन त्याचा ब पर्याय आहे मरुस्थल दोन फौजी त्याचा ड पर्याय आहे वर्दी तीन श्रम त्याचा ई पर्याय आहे फुल अगणित त्याचा अपर्याय आहे शीश पाच विरत्व त्याचा क पर्याय आहे विवेक प्रश्न पहिल्यातला क तई और गलत का चिन्ह लगाओ पाच गुणांसाठी एक बिरबल समज गे की सेट चेहरा बदलने में निपुण है सही दोन तमिल भाषा के शब्द किसी भी भाषा में मिल जाते हैं गलत तिसरं आर्यन जानता था की भूत ऊत कुछ नहीं होते सही चौथे मनुष्य ही शब्दों को जीवंत बनाता है सही पांच घिसू छ महीने तक खाट पर पड़ा रहा गलत प्रश्न पहला लिखे वाक्य किसने किससे कहे है तीन गुणां सा आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोजी लिया बीरबल ने अकबर से कहा है दोन सबको क्षमा किया जाता है रात रानी ने सब बच्चों से कहा है तीसरे मुझे इस मामले में बहुत गड़बड़ लगती है प्रश्न दूसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्यों में लिखो एक जगने किसकी शक्ति को पहचाना है उत्तर जगने पुस्तक और कलम की शक्ति को पहचाना है दोन सुहानी सुगंध कहाँ उड़ती है उत्तर सुहानी सुगंध वनों में बागों में उड़ती है तीसरा प्रश्न कनिष्का कौन थी उत्तर कनिष्का आर्यन के मामा जी की लड़की थी रात रानी किसकी भूमिका कर रही है उत्तर रात रानी न्यायाधीश की भूमिका कर रही है पांच हमने भारत माता की पूजा कैसे की है उत्तर हमने श्रम के फूल चढ़ाकर भारत माता की पूजा की है सावा विचार होते मनुष्यों को मनुष्य से जोड़ता अथवा तोड़ता कौन है उत्तर शब्द ही मनुष्य को मनुष्य से जोड़ता अथवा तोड़ता है प्रश्न तीसरा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो नवगुण तीन प्रश्न है एक शिक्षामय विश्व इस विषय पर जानकारी लिखो उत्तर शिक्षामय विश्व का अर्थ है विश्व में सभी लोग पढ़े लिखे हो जब सारा विश्व पढ़ा लिखा होगा तो सभी विकास के लिए ही प्रयत्नशील रहेंगे कोई भी किसी प्रकार का विनाश नहीं चाहेगा सभी वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करेंगे पृथ्वी पर शांति का वातावरण होगा कोई किसी का हक नहीं छीनना चाहेगा सबके मन में संतोष की भावना होगी दूसरा प्रश्न नैतिक मूल्यों की सूची बनाओ एक बड़ों का आदर करना दोन छोटों से प्यार करना तीन सबसे विनम्र व्यवहार करना चार उर्द्व की सेवा करना पांच गरीबों लाचारों की मदद करना सहा समाज हित में कार्य करना सात परिसर में सफाई बनाए रखना तीन कनिष्का और आर्यन को वीरता पुरस्कार घोषित होने का कारण बताओ प्रश्न तीसरा द्लास अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम बताओ गुणांसाठी राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा राष्ट्रीय गान जन गण मन तीन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम चार राष्ट्रीय खेल हॉकी पाच राष्ट्रीय नदी गंगा प्रश्न चौथा अ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए सूचना के अनुसार वाक्यों का काल परिवर्तन करो दोन गुणांसाठी मदन पाठशाला जाता है भूतकाळ मदन पाठशाला जाता था दुसरे नकुल गया था वर्तमान काळ नकुल बाजार गया ब निम्नलिखित चौथ्यातला निम्नलिखी समानार्थी शब्द लिखो दोन गणांसाठी उपवन बाग फूल कुसुम क निम्नलिखित शब्दो के विरुद्धार्थी शब्द लिखो अशांती शांती शत्रुता मित्रता प्रश्न पाचवा निम्नलिखित में से किसी भी एक विषय पर दस पंक्तीया निबंध लिखो सहा गुणांसाठी आहे तीन विषयांपैकी कोणत्याही एका विषयावर निबंध लिहायचा आहे